दोस्तों आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। तो रामायण में 7 कांड हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तरकांड। रामायण के 7 कांडों में से सबसे पहला कांड है बालकांड। यह सभी कांडों में सबसे बड़ा कांड है क्योंकि इसमें श्री राम और उनके भाइयों के पैदा होने से लेकर उनके विवाह तक की कथाओं का बड़ा ही सुंदर विवरण है। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और यज्ञ से मिले आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से उन्हें श्री राम प्राप्त हुए, पत्नी कैकेयी से उन्हें भरत प्राप्त हुए और पत्नी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। बालकांड में उस घटना का भी वर्णन है जब विश्वामित्र राक्षसों ऋषि मुनियों की रक्षा हेतु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। इस वक्त में श्री राम अनेकों राक्षसों का वध कर देते हैं और उनकी मदद से विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है। इस कांड में अहिल्या के श्राप से मुक्ति का भी वर्णन है। इसी कांड में श्री राम द्वारा सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाकर स्वयंवर जीतने का भी उल्लेख है। उनके साथ साथ लक्ष्मण उर्मिला के साथ विवाह होता है, भरत का मांडवी जी का और शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति के साथ विवाह संपन्न होता है। रामायण के 7 कांडों में दूसरा कांड है अयोध्या कांड। रामायण के दूसरे कांड में श्री राम के विवाह से लेकर उनके जीवन के उस पड़ाव के बारे में उल्लेख है जब वो वनवास चले जाते हैं। इस कांड में बताया गया है कि कैसे दासी मंत्रा के भड़काने पर कैकेयी ने राजा दशरथ द्वारा पहले दिए गए वचन का इस्तेमाल करके श्री राम को वनवास भेजने और अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक की बात की थी। उनकी इसी मांग के चलते श्री राम सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाते हैं। जब भगवान श्री राम वन को जाते हैं तब उनके नगरवासी भगवान राम को बहुत रोकते हैं, वन ना जाओ, पर भगवान श्री राम उनकी एक बात नहीं मानते हैं और वन के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां पर जाके सरयू के किनारे केवट से प्रार्थना करते हैं कि हे केवट, मुझे इस पार से उस पार भेज दो। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो जाता है और उनका अंतिम संस्कार भरद्वार किया जाता है। भरत अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर देते हैं और अपने बड़े भाई की खोजने निकल पड़ते हैं। तब वो श्री राम से मिलकर उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार देते हैं और उनसे वापस चलने के लिए कहते हैं। श्री राम उन्हें मना कर देते हैं। उनके मना करने पर भरत उनकी पादुका को ले जाते हैं और अयोध्या के सिंहासन पर रख देते हैं। अब हम जानेंगे तीसरे कांड के बारे में जिसका नाम है अरण्य कांड। रावण के इस कांड में माता सीता का रावण द्वारा हरण और श्री राम की उनकी खोज का वर्णन है। इस कांड में बताया गया है कि किस तरह से श्री राम चित्रकूट से निकलकर अत्रि ऋषि, फिर सर्वंग ऋषि और फिर सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त मुनि से मिलते हुए दंडवत वन में जाकर रहने लगे। वही स्थान है जहाँ श्री राम जटायु से मिले थे। पंचवटी में ही लक्ष्मण द्वारा सूपनखा की नाक काटने का उल्लेख भी है। इसमें ये बताया गया है कि सुपर्णखा रावण को उसकी नाक काटने और सीता माता के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रावण श्री राम से बदला लेने का विचार करता है। वो श्री राम और लक्ष्मण को सीता माता से दूर करने के लिए मारीच को स्वर्ण हिरण बनाकर भेजता है। सीता माता के कहने पर श्री राम उनके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद मारीच श्री राम की आवाज़ में हाय लक्ष्मण की आवाज़ निकालता है, जिसे सुनकर माता सीता घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को श्री राम जी की खोज में भेज देती हैं। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण छल से सीता माता का हरण करके उन्हें ले जाते हैं। जटायु सीता माता की आवाज़ सुनकर उनकी सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन रावण उनको घायल कर देते हैं। सीता माता की तलाश में निकले श्री राम को जब घायल जटायु मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सीता माता का हरण किसने किया है, वो उन्हें लेकर किस दिशा में गया है। रामायण के 7 कांडों में से 4th कांड है किष्किंधा कांड। इस कांड में श्री राम भक्त हनुमान और श्री राम से मिलन, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, राजा बाली का वध और हनुमान जी का सीता माता की खोज में लंका की ओर जाना वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिलते हैं और उनके जरिए उनकी दोस्ती सुग्रीव से होती है। ये भी उल्लेख किया गया है किस तरह से श्री राम बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज बनाते हैं। फिर सुग्रीव श्री राम को दिए गए वचन के चलते सीता माता की खोज में उनके साथ समुद्र किनारे तक जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात संपाति से होती है। उन्हें संपाति से पता चलता है कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। 7 कांड में सबसे महत्वपूर्ण 5वां कांड है, जिसे सुंदरकांड के नाम से जानते हैं। इस कांड में हनुमान जी की माता सीता से भेंट, उन्हें श्री राम के आगमन की सूचना देते हैं, लंका में वापस आने और लंका तक राम सेतु बनाने का वर्णन मिलता है। इस कांड में
वर्णन मिलता है कि कैसे हनुमान जी जामवंत की सलाह पर लंका आते हैं और अनेकों परेशानियों का आसानी से सामना करते हुए अशोक वाटिका तक पहुंच जाते हैं। वहां सीता माता को श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें पता बताते हैं कि श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आ रहे हैं। वो माता सीता की चूड़ामणि लेकर लंका में आग लगाकर रावण पुत्र अक्षय कुमार को मारकर वापस श्री राम के पास चले जाते हैं। इस कांड में ये भी बताया गया है कि रावण के भाई विभीषण अपमानित होकर श्री राम से मिलने आ रहे हैं और उनकी मदद करते हैं। इसी कांड में लंका तक जाने के लिए नल और नील द्वारा श्री राम का नाम पत्थरों पर लिखकर राम सेतु बनाने का भी वर्णन मिलता है। रावण का छठवां कांड है लंका कांड। रावण के इस कांड में श्री राम और रावण के बीच घमासानी युद्ध और श्री राम की जीत का वर्णन है। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह पुल पार करके श्री राम की सेना लंका जाती है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस कांड में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित होना, हनुमान जी द्वारा लगी संजीवनी बूटी से उनका जीवन ठीक करना। इसमें बताया गया कि युद्ध में मेघनाद, कुंभकर्ण, अन्य योद्धाओं को आखिर में रावण का वध श्री राम के हाथों होता है। इसी में विभीषण के राज्याभिषेक का भी वर्णन मिलता है। रामायण का अंतिम कांड है उत्तरकांड। ये रामायण का उपसंहार कांड है। इसमें श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के वापस अयोध्या लौटने और उनके द्वारा किए गए राज्यों में कार्यों का वर्णन मिलता है। हम आपको बता दें कि ये वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण का हिस्सा नहीं है। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल रामायण में कितने कांड हैं का सही उत्तर मिल गया होगा। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।